ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड पेज. देर इज सम इंफॉर्मेशन गिवन इन द साइड बार, लेट्स रीड इट. ऑफिशियली देर आर 55 कंट्रीज हुज मुस्लिम पॉपुलेशन इज फ्रॉम मोर देन 50% टू 100%. मुस्लिम्स आर अदरवाइज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल अदर कंट्रीज वेयर दे फॉर्म 1% टू 36% ऑफ द पॉपुलेशन. Okay, these are the two maps given in your book. This is the political map showing the Muslim world. See, the countries that are in green color, they are all the Muslim countries. Okay, just carefully see and the second map is map showing physical features of the Muslim world. This is the map showing the physical features of the Muslim world. Map showing the physical features of the Muslim world. Land below sea level, देखें इस color में है, sea level green, light green color में है. इसी तरह ये जैसे जैसे land ऊपर जा रहा है ये mountain areas हैं. So you can see के जो ज़्यादातर Muslim countries हैं वो at sea level और above sea level, plain areas में हैं ज़्यादातर Muslim countries. बहुत कम जगह पे माउंटेनस रीजन्स पाए जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अफगानिस्तान एंड काराकोरम रेंजेज इन पाकिस्तान एक्सेट्रा. नाउ कम टू द पेज नंबर 3. ऑन पेज नंबर 3 देयर इज़ अ मैप आल्सो द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. अब यहाँ पे आपको वेजिटेशन जो मुस्लिम वर्ल्ड में पाई जाती है, फॉरेस्ट्स, एग्रीकल्चर लैंड, डेजर्ट्स, उसके बारे में बताया गया है. आइस कैप ग्रे कलर, मार्श एंड स्वैम्प, टंड्रा, हाई अल्टीट्यूड वेजिटेशन, डेजर्ट्स, येलो कलर हॉट डेजर्ट, सेमी डेजर्ट एरियाज, टेम्परेट ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, डिसाइडियस फॉरेस्ट, मिक्सड फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. सो यू कैन सी के मुस्लिम कंट्रीज़ में ज़्यादातर हॉट डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज हैं, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है. इन दीज डेजर्ट एरियाज अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू ओएसिस लिटिल और नथिंग ग्रोज एक्सेप्ट वेरी टफ प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशंस. दीज कैन प्रोवाइड फूड ओनली फॉर द हार्डियस्ट शीप एंड गोट्स यूजली कैप्ट बाय नोमैडिक और सेमी नोमैडिक पीपल who wander with their flocks and herds in search of pasture. इसमें ये आपको बताया गया है कि यहाँ पे जो एरियाज़ हैं, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत टफ प्लांट्स होते हैं, सख्त पौधे जो कि सख्त किस्म के वेजिटेशन हैं जो कि बहुत कम ही गोट्स और शीप्स खा सकते हैं, और यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल होते हैं, नोमैडिक जो पीपल होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं. पेस्चर्स, यहाँ पे पेस्चर्स आर द ग्रीन ग्रास लैंड होते हैं कि जो काउज और गोट्स वगैरह चारा वाले जो होती है ग्रास वगैरह यहाँ पे नहीं पाई जाती. देयर आर हाउ एवर कंसिडरेबल एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट्स ऑफ टिम्बर एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज रबर एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स. In other countries, good farm crops are produced in the valleys of the great rivers, the Nile, Tigris, Euphrates and the Indus and other places by irrigation. इसके अलावा उन्होंने बताया कि सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं जहाँ पर रबर एंड फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है. इसके अलावा अदर कंट्रीज़ जो के रिवर्स की वैलीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नील, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स एक्सेट्रा, यहाँ पे जो है इरिगेशन लैंड पाया जाता है, यहाँ पे काश्तकारी जो है वो की जाती है.